तो दोस्तों ओप्पो ने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, ओप्पो A52, जो कि ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो A52 और पोको M2 Pro दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर डिस्प्ले की, तो ओप्पो A52 के अंदर हमें 6.5 इंच की FHD+IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। जबकि दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर हमें 6.67 इंच की FHD+IPS डिस्प्ले मिलती है, और यह भी हमें 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। इसके अलावा दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। तो पोको M2 Pro के अंदर हमें थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर कैमरे की, तो ओप्पो A52 के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मोनोलेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। जबकि दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो दोस्तों अगेन यहां पर हमें पोको M2 Pro में ज़्यादा बेस्ट कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर सेल्फी कैमरे की, तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो ओप्पो A52 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 665 मिलता है, जो कि एड्रीनो 610 GPU पर आता है। जबकि दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, जो कि एड्रीनो 618 पर आता है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में पोको M2 Pro काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें एक पावरफुल प्रोसेसर 720G देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर ओप्पो A52 के अंदर हमें 7 सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता, तो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें OS की, तो ओप्पो A52 के अंदर हमें कलर OS 7.1 मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 10 पर आता है। जबकि पोको M2 Pro के अंदर हमें MIUI का 11 देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 10 पर ही आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोनों में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ओप्पो A52 के अंदर हमें 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जबकि पोको M2 Pro के अंदर हमें 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी पोको M2 Pro थोड़ा सा इससे आगे निकलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें बाकी फीचर्स की, तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, दोनों ही फ़ोनों में हमें टाइप सी मिलती है, और दोनों ही फ़ोन दोस्तों में 60Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमें वाइडवाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर HD में स्ट्रीम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो A52 के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी और भी बेहतर होगी। इसके साथ ही दोस्तों पोको M2 Pro में भी हमें IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, P2i की कोटिंग देखने को मिलती है। अभी दोस्तों अगर बात करें प्राइस की, तो ओप्पो A52 के अंदर हमें एक ही वेरियंट्स देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 128GB हमें 16990 में मिलता है, जबकि पोको M2 Pro के अंदर हमें 4GB 64GB वाला वेरियंट्स 13999 में, 6GB 64 वाला वेरियंट 14999 में, और 6GB 128GB वाला वेरियंट 16999 में मिलता है। अभी दोस्तों अगर ऑल ओवर बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर ओप्पो A52 बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस प्राइस पॉइंट पर यह फ़ोन खरीदें। इससे बेस्ट है कि आप यहाँ पर पोको M2 Pro यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके अंदर कि हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, और हमें यहाँ पर 720G प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, और 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से यह फ़ोन इस प्राइस में बेस्ट है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड।